नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल ओनली आयुर्वेद में। आज हम एक नई चीज़ आपके साथ डिस्कस करना चाहते हैं वो यह है कि प्रेग्नेंट लेडीज़ को वो कैसे कौन से मिनरल्स या ऐसे विटामिन्स की आवश्यकता होती है या ऐसे कौन से फैटी एसिड्स की आवश्यकता होती है जिससे उसके जो गर्भ में पलने वाला बच्चा है वो बिल्कुल हेल्दी हो और भविष्य में भी उसको स्वस्थ तंदुरुस्त रहे, और ऐसी कौन सी वो चीज़ें हैं जिससे उसका आईक्यू, जिसे हम बोलते हैं कि ये बच्चा बहुत बुद्धिमान है, या ऐसा कहें कि यार ये तो वाकई एक अल्बर्ट आइंस्टाइन है या उससे भी अच्छा बन सकता है, तो ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिनको लेने से उसका जो इन्फेंट है उसका बौद्धिक विकास ज़्यादा होता है और वो आगे भविष्य में ग्रोथ करता है। तो उन्हीं चीज़ों पर डिस्कस कर रहे हैं हम। आज हमारे साथ मौजूद है मिस्टर बलवीर सिंह शेखावत जी। नमस्कार सर। तो हम इनसे ही जानना चाहेंगे, वैसे इन्होंने एक पिछले वीडियो में हमें बताया था कि जो प्रेग्नेंट लेडीज़ जो गर्भ अभी प्लानिंग कर रही हैं तो उनको गर्भधारण से पहले किन किन चीज़ों की आवश्यकता है, तो वो भी डिस्कस किया था। आप उसको भी हमारे नीचे लिंक में वो वीडियो देख सकते हैं, या लास्ट में इसके हम उसका लिंक डाल देंगे, आप वहाँ से उसको देख लीजिए। आज हम डिस्कस करेंगे कि वो ऐसे कौन सी चीज़ें हैं जिससे गर्भ में पल रहे बच्चे का जो दिमागी विकास और उसके लिए क्या क्या चीज़ें बहुत आवश्यक हैं, तो आइए जाने शुरू करते हैं बलवीर जी से। नमस्कार सर। नमस्कार। आज हम चर्चा करेंगे DHA के बारे में जी। DHA क्या होता है जी? ठीक है, इसका प्रेगनेंसी के अंदर क्या रोल होता है, प्रेगनेंसी की कौन सी स्टेज के अंदर DHA लेना चाहिए, कितना लेना चाहिए, कौन कौन से इसके नेचुरल सोर्सेज हैं, इसके बारे में अपन चर्चा करेंगे आज। तो DHA के बारे में बताते हुए पहले यह है कि DHA एक तरीके का ओमेगा 3 फैटी एसिड के अंदर आता है जी। ये पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं जी। इसका पूरा नाम डोकोसाहेक्सेनोइक एसिड है, ये एक प्रकार का। अब एक बात तो ये है कि ये अपनी बॉडी के अंदर सिंथेसाइज नहीं होते। भाई बच्चा तो अभी गर्भ में पल रहा है, उसमें तो क्या सिंथेसाइज होंगे, माँ की बॉडी में भी ये सिंथेसाइज नहीं होते। तो टोटली जो है ना ये बाहर से लेने पड़ते हैं माँ को डाइट के लिए, अपनी बॉडी में बनते नहीं है ये, तो बाहर से लेने अपने को काफ़ी ज़्यादा जरूरी होते, इसलिए एक तरीके का वाइटल है। प्रेगनेंसी के दौरान की कमी हो जाती है तो इसका सीधा इफेक्ट बच्चे पे पड़ता है, तो माता को क्या है कि जो मदर है जो कंसीव की हुई है जिसके फिटनेस के लिए ये काफ़ी ज़्यादा जरूरी होता है, माता लेगी तभी ब्लड सर्कुलेशन से वो बच्चे तक पहुँच पाएगा एज ए न्यूट्रिएंट के तौर पर। तो इसका प्रेगनेंसी के अंदर रोल देखिए तो मेनली क्या है कि दो चीज़ों के अंदर इसका काफ़ी अच्छा रोल होता है, अगर एक तो ब्रेन के डेवलपमेंट के लिए, दूसरा आई साइट के लिए, आंखों का जो डेवलपमेंट है उसके लिए। अब लेटेस्ट रिसर्च से पता लगा है कि जो ब्रेन का अपन अगर देखते हैं तो ब्रेन के अंदर जो टोटल ये फैटी एसिड्स होते हैं, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं, उसका 40% जो हिस्सा होता है ना वो DHA है। अब इससे आप आइडिया लगाए कि ब्रेन का कितना मेजर पोर्शन है वो DHA का बना होता है। अगर प्रेगनेंसी के दौरान ये DHA नहीं लिया जाएगा तो बच्चा शायद इससे वंचित रह जाएगा, उतना DHA नहीं मिलेगा। तो आपको वाइटल है ये दर्शकों, जो महिलाएं दर्शक है या जो पुरुष भी दर्शक है, जो भी बाप बनने की है वो, तो उनके हम बताना चाहते हैं कि इंटेलिजेंट बच्चा DHA, अगर आपको इंटेलिजेंट बच्चा चाहिए और ये चाहे कि उसको बाद में बादाम भी चाहे आप कम खिलाएं, तो ब्रेन का डेवलपमेंट एक बार हो जाता है ना, उसके लिए आपको ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि जो ब्रेन का जो 40% विकास है, आप सोचो कि 40% में आप DHA होता है, वो DHA है और वो आप उसको गर्भ में ही दे सकते हैं। ब्रेन एक बार बन गया ना, वो बन गया, वैसे नहीं कि जो एक बार बन गया वो बन गया, उसमें बाद में उसको आप चेंजेस नहीं कर सकते उसकी कंपोजिशन का, एक बार जो उसमें मिल गया जो मिल गया ऐसा है। बताइए और आगे DHA के बारे में, वो बताइए DHA के बारे में। ब्रेन के ऊपर हो गया इसका। दूसरा है कि इसका जो है आई साइट के अंदर, तो आई साइट का जो अपन बात करें तो जो आँख का मेन पोर्शन होता है अपनी आई का, वो होता है रेटिना, जहाँ पे अपनी कोई भी इमेज बनती है वो रेटिना पे बनती है, अपन देखते हैं ठीक है। तो उसका जो उसमें जो टोटल 40% जो पोर्शन होता है ना उसका पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स का, वो DHA है। तो इसके लिए वो कितना वाइटल है ये, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है आँख के लिए, आँख की रेटिना जो आँख में सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है, रेटिना जो है जिससे हम बनता है, आप ये मुझे देख रहे हैं और मैं अभी इसमें ये हम बना रहे हैं, तो आँख जो महत्वपूर्ण रेटिना पोर्शन है उसका 60% DHA है। तो आप खुद सोच सकते हैं ये कितना 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 महत्वपूर्ण है। तो आइए और भी जानते हैं इसके बारे में। हाँ बताइए सर। इसका मतलब एक वाइटल रोल हो गया आंखों में और ब्रेन के अंदर। अगर आप चाहते हो कि आपका बच्चा काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट हो,
तो उसके लिए अपने को प्रेगनेंसी के दौरान DHA की सप्लाई होनी चाहिए, DHA की सप्लाई होगी। एक रिसर्च से पता लगा है कि जिन बच्चों के अंदर प्रेगनेंसी के दौरान DHA नहीं मिल पाता और जिनमें DHA होता है ना, उनके मेंटल स्टेटस के अंदर काफ़ी ज़्यादा वेरिएशन आता है। मतलब जिन बच्चों को DHA की सप्लाई दी गई है ना, उनका मेंटल स्टेटस एज कम्पेयर टू द फिटस विच डोंट गेट DHA इन देयर प्रेगनेंसी, तो उससे ज़्यादा बढ़िया होता है। मतलब जिन्हें DHA ज़्यादा लिया होता है ना प्रेगनेंसी के दौरान, उनका जो मेंटल स्टेटस है या हैंड आई कोऑर्डिनेशन है, या IQ लेवल बोल दो, हैंड आई कोऑर्डिनेशन बोल दो, या इमोशनल बिहेवियर जो होता है ना उन बच्चों का, ऐसे बच्चों से जिनको DHA की सप्लाई कम मिली होती है, नहीं मिली होती है, उनसे काफ़ी ज़्यादा बेटर होता है। ये लेटेस्ट रिसर्च है, अमेरिकन रिसर्च है, ये लेटेस्ट रिसर्च है। और एक कंडीशन भी आती है, जो आँखों की बात करते हैं तो एक कंडीशन आती है मैकुलर डिजनरेशन। अच्छा, एक कंडीशन है, वो लीडिंग कोज है ब्लाइंडनेस का, वर्ल्ड के अंदर लीडिंग कोज है ब्लाइंडनेस का, परमानेंट जो अंधेपन का एक बहुत बड़ा कारण है। उसका जो मेन रीजन है वो लैक ऑफ DHA है। अगर आपके DHA की कमी होगी ना, तो इसका मतलब डीजनरेशन होने के चांसेस, इसका मतलब यही हुआ कि अगर गर्भ में बच्चे को सही से DHA ना मिले, तो यानी कि उस माता जो लेती है DHA, उसके माँ से मिलता है, तो वो अगर ना लिया जाए तो ये जरूरी नहीं कि बच्चा जन्म लेते से उसकी आँख कमजोर होगी या दिमाग कमजोर होगा, भविष्य में भी, यानी कि सपोज उसकी एज 40 हो जाती है, 50 हो जाती है, तो उस समय भी उसको ब्लाइंडनेस का जो खतरा रहता है, तो वो DHA की कमी के कारण रहता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, तो अभी आपको बताएंगे भी ये किस चीज़ में होता है, आपको कोई घबराने की जरूरत नहीं है। तो हाँ सर बताइए, अब DHA के अपन पहले तो कब लेना चाहिए प्रेगनेंसी के अंदर, ये वाइटल होता है कि भाई ऐसा तो नहीं पहले महीने से लो। DHA जनरली जो ब्रेन का डेवलपमेंट होता है वो लास्ट ट्राइमेस्टर के अंदर होता है, यानी 6 से 9 महीने के अंदर ब्रेन और आइज का जो ऊपर पोर्शन है उसका डेवलपमेंट ब्रेन का जो होता है वो 6 से 9 महीने के अंदर होता है। उसके अंदर अगर DHA की सप्लाई प्रॉपर होगी, ठीक है, तो उससे क्या हो जाता है कि ज़्यादा से ज़्यादा उसका इफेक्ट होगा और वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने लिए इफेक्टिव होगा अगर इस महीने के अंदर लिया, क्योंकि जो अडल्ट होते हैं वो तो वैसे डाइट में DHA ले लेते हैं, जो मदर होती है वो अपनी डाइट में ले लेगी खुद, लेकिन जो बच्चा होगा वो टोटली मदर पे डिपेंड करता है। और इसमें सिर्फ मैं प्रेग्नेंट की बात नहीं करता, जो लैक्टेटिंग मदर है ना, जो समझ रहे हैं, फीडिंग करवाती है, उनके लिए भी DHA के लिए बच्चा खुद तो नहीं ले पाएगा ना, वो भी माँ के ऊपर ही डिपेंड करता है। माँ अगर वो फूड लेगी या वो सप्लीमेंट लेगी तो ही वो बच्चे तक पहुँच पाएंगे। तो दोनों के लिए, लैक्टेटिंग मदर के लिए और अपना प्रेगनेंट मदर के लिए, दोनों के लिए ये काफ़ी ज़्यादा वाइटल है। ठीक है, अब इसका आपने टाइम बता दिया कि लास्ट ट्राइमेस्टर में लेना है। अब इसके सोर्सेज की बात करते हैं, तो सोर्सेज जो होते हैं ना, जनरली इसके दो सोर्सेज होते हैं अपन बड़े स्तर पर। एक तो जैसे मैराइन सोर्सेज होते हैं जो समुद्री जीवों से अपने को मिलते हैं, जैसे मछली हो गई, सालमन फिश हो गई, टूना फिश हो गई, फिश ऑयल, इनसे मिलते हैं। ठीक, अभी फिश ऑयल जो है ना, ये इनके अंदर क्या हो जाता है कि मर्क्यूरियल कंटामिनेंट आते हैं, मिथाइल मर्क्यूरी आती है, जो प्रेगनेंसी के दौरान थोड़ी बहुत हानिकारक हो सकती है बच्चे के लिए, डिवेलपिंग चाइल्ड के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक ये होती है। तो उसके लिए डोज की रिस्ट्रिक्शन कर रखी है कि आप अगर खाना भी चाहो तो 12 से 14 औंस पर वीक, इतना ही आप फिश अगर खाना चाहते हो तो 12 से 14 औंस पर वीक, यानी अपना 350 से 400 ग्राम पर वीक के हिसाब से, एक सप्ताह में इतना खाओगे तो वो कंटामिनेशन थोड़ा कम हो जाएगा। या फिर हो सके तो ऑयल जो आप यूज़ करते हैं वो फिशी वाला ऑयल इसके अंदर आप यूज़ करेंगे, जो प्यूरिफाइड ऑयल है वही फिश ऑयल जो प्यूरिफाइड ऑयल वो यूज़ कर सकते हैं। हम यहाँ बात करना चाहेंगे कि वेजिटेरियन कौन कौन से सोर्स हैं। हाँ, वेजिटेरियन की बात कर सकते हो तो आप इसके अंदर जैसे वॉलनट है अपने, अखरोट है, अखरोट हो गया है, सनफ्लावर ऑयल भी एक अच्छा सोर्स है, सरसों का तेल हो गया, अखरोट हो गया, ओलिव ऑयल एक अच्छा, ओलिव ऑयल हो गया, और अलसी, अलसी भी इसका, अलसी भी एक बहुत अच्छा सोर्स है, एक सोर्स है, लेकिन अलसी भी एक अच्छा सोर्स माना जा सकता है इसका। और इसके अंदर पंपकिन सीड आते हैं, जो हमने पंपकिन जो कद्दू बोलते हैं जिसको पंपकिन, हाँ, काफी महत्वपूर्ण है, कद्दू के बीज है, वो भी इसका एक बहुत अच्छा सोर्स है बोल सकते हैं। अगर मैं कहना चाहूंगा कि अगर आप फूड सप्लीमेंट मार्केट से वैसे लेके आओ ना तो वो भी अच्छे है, अगर आप इतनी चीजें नहीं अवेलेबल तो फूड सप्लीमेंट के तौर पे ये मिलता है। तो जो ये चीजें बताई हैं बिल्कुल आसान है, आप ले सकते हैं। अगर फिर भी आप ये नहीं ले सकते हैं तो मार्केट में DHA सप्लीमेंट मिलते हैं। और आप बताना चाहूंगा कि DHA जो सप्लीमेंट आते हैं ये दोनों प्रकार के आते हैं, वेजिटेरियन में भी आते हैं और नॉन वेजिटेरियन में भी आते हैं। नॉन वेजिटेरियन में दो तरीके के हो सकते हैं, जैसे एक तो फिश से आ गया अपना, और एक मैराइन एल्गी से आता है, मैराइन एक एल्गी होती है उसका आता है, तो वो भी क्या है अच्छा है, वो अपने स्टमक के अंदर अपसेट कम करता है, पेट में इतनी दिक्कत नहीं करता, और वो प्यूरीफाइड भी होता है, उसमें मर्क्यूरियल कंटामिनेंट के चांसेस कम होते हैं। तो आप दोनों तरह के ले सकते हो,
जितना हो सके। अगर आप फिशी लेना चाहते हो तो वो प्योरीफाइड होना चाहिए, देख लेना उसमें मर्क्यूरियल कंटामिनेंट नहीं होने चाहिए। अगर आप नो अपना वेजिटेरियन सोर्स करते हो तो वो फार बेटर है, वेजिटेरियन में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आती, आप हिसाब से उनको अपना ले सकते हो। हाँ जी, तो अभी हम जानना चाहेंगे कि इसकी जो मात्रा है वो मात्रा कितनी ली जाए। प्रेग्नेंट मदर के लिए और लैक्टेटिंग मदर के लिए लगभग इसकी सेम डोज है, आप 300 mg पर डे। 300 mg जो मात्रा बताई है ये वो है, अगर आप इसको पाउडर फॉर्म में बाजार से लेके आते हैं ना, तो उसकी मात्रा है 300 mg पर डे के हिसाब से इसकी डोज है, वो सफिशियंट रहती है। बाकी आप जो वेजिटेरियन फूड्स वगैरह में आप जो आप ये खाएंगे तो वो जैसे लेंगे वो अपने आप वो मिलता रहेगा। और बाकी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा बलगीर जी का दोबारा, और बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, आपने हमारे दर्शकों को ये बताया। और दर्शकों से भी अनुरोध है कि एक तो ये हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, और भविष्य में भी आपको हमारी और जानकारियाँ ऐसी मिलती रहेंगी। चलिए ठीक है सर, थैंक यू सो मच, स्वस्थ रहें, हेल्दी रहें, हम दूसरे वीडियो लेकर जरूर आपके सामने जल्दी आएंगे और आपको कुछ नई बातें बताएंगे। ठीक है, टेक केयर, बाय बाय।